हे गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ ब्रजभूमि वृंदावन। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। मेरी ट्रेन थी 6 बजे की न्यू दिल्ली से और ये 7 बजे पहुँच जाएगी मथुरा जंक्शन। तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने प्लान बनाया और कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। राधे राधे आप सभी को। मैं आ चुका हूँ मथुरा। मथुरा जंक्शन पे उतरा था ट्रेन से और अब मैं यहाँ मथुरा की गलियों में पहुँच चुका हूँ। तो द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ रूपा कचौड़ी वाला, जो फेमस है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। आपको दिखाता हूँ वहाँ का खाना कैसा है। भैया हम आ गए थे यहाँ पे रूपा कचौड़ी वाले, जो द्वारकाधीश मंदिर के पास में ही है मथुरा में। हजारों की भीड़ भैया जलेबी। हाँ जलेबी। दिल्ली क्या बात है, दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की, क्या मिनट में गर्म खिलाता हूँ, ऐसी खिलाऊंगा कि तरीबा वाला हिल के हिल जाएगा। ठीक है जी। 700 रुपए किलो का रेट है तरीबा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरे 460 चल रहा है। ठीक है। किलो 500 रुपए। कितने होगा भाई? 3 कचौड़ी के और 3 कचौड़ी और 1 जलेबी 20 की। कैसी लगी? पूछो सवाल पूछो। कैसी लगी आपको जलेबी की और कचौड़ी? कचौड़ी तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद है और यहाँ मैंने जलेबी का अलग ही रूप देखा है। मतलब इतनी बड़ी जलेबी मैंने पहले कभी नहीं देखी और जलेबी के साथ फाफड़ा का स्वाद मैंने अपने जीवन में पहली बार ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ तारक मेहता के उल्टे चश्मे में सुना है कि जलेबी फाफड़ा, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ जलेबी फाफड़ा खा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही उमदा क्वालिटी है और श्री उसका तो है ही, राधे राधे तो है ही। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में पहुँच चुका हूँ। इस्कॉन टेम्पल में यहीं पर ही हमेशा की तरह मैंने गेस्ट हाउस बुक किया अपना। ठीक है, अभी अंदर जाके मैं चेक कर लेता हूँ कितना टाइम लगेगा। वैसे नाम क्या है? श्री कृष्ण बलराम मंदिर, इसी में ही इस्कॉन में ही। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ बुकिंग अपनी। नाम कहाँ है? अर्पित। ये रही बुकिंग। अर्पित वर्मा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, 12 बजे आ जाओ। 12 बजे इधर ही। हमारे यहाँ क्या है, 11 बजे हाँ जी चेकआउट है, 12 बजे चेक। अच्छा अच्छा। अभी खाली रूम ना है, खाली है। अच्छा, खाली कोई नहीं, जल्दी भी मिल सकता है। अच्छा चलिए, जैसे खाली है जाएगा। हाँ जी, तैयार करवाएगा आपको। चलिए धन्यवाद। तो जैसा कि सोचा था वही हुआ। अभी क्या नाम है, खाली नहीं है कोई रूम, तो हमें वेट करना पड़ेगा 12 बजे तक का। अभी यहीं के वेट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए गाइस। तो फाइनली मेरा रूम तैयार हो गया है और मैं ज़रा अब रूम की तरफ चेकिंग कर लेता हूँ अपने जाके। यहाँ पे छोटे रूम भी हैं, बड़े रूम भी हैं, दो लोगों के हिसाब से भी हैं। तो मैं अकेला था तो इसलिए मैंने सिंगल वाला रूम ले लिया है। ये रूम है गाइस, काफ़ी अच्छा रूम है, डिसेंट रूम है,
सबसे बड़ी बात एस्कॉन टेम्पल के प्रेमिसेस में है। ये इसकी विंडो से व्यू है गाइस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कबर्ड है, एसी है वर्किंग, और ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी अच्छा है, बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा रूम है। तो फाइनली गाइस मैं अपने रूम में आ चुका हूँ जो कि एस्कॉन टेम्पल के अंदर है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये एस्कॉन टेम्पल की बैक साइड में है जो कि एक गेस्ट हाउस है, इन्हीं के जो थ्रू रन होता है। तो आप यहाँ पे एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं, आपको एटलीस्ट 2 वीक्स प्रायर मेरे हिसाब से बुकिंग करनी चाहिए, तभी अवेलेबिलिटी रहती है। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा जिसके थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं। और साथ में एक वीडियो मैंने जो बनाया था पहले बुकिंग के ऊपर कि कैसे कैसे आप बुकिंग कर सकते हैं, तो वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। बाकी ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये सबसे अच्छा रूम मुझे लगा, बेस्ट बजट रूम है। मैं काफ़ी होटल्स में भी ठहरा हूँ। ओके, उसके अलावा मेरी जर्नी ऐसी रही, मैं सुबह 6 बजे निकला था, 6 बजे निकल के ट्रेन अपनी मैंने बोर्ड करी थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और मैं 7 बजे यहाँ पहुँच गया था मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन पहुँच के मैं रूपा कचौड़ी गया था और द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करे थे। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। बाकी आज अब मेरा अभी का प्लान है, अभी मैं एस्कॉन टेम्पल नीचे विजिट करूँगा फ्रेश होके, उसके बाद शाम को हम प्रेम मंदिर जाएंगे, उससे पहले नदी बन जाएंगे और भी काफ़ी सारी जगह कवर करेंगे। तो ऐसे ही बनी रही है मेरे साथ वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।